आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह हो चुकी है और बहुत ज़्यादा लेट उठे हैं मैं और मेरे भैया बहुत ज़्यादा लेट उठे हैं। तो फिर अभी हम लोग शायरी कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं हम शायरी में क्या क्या खा रहे हैं। सॉरी, तो देख सकते हैं हमारे शायरी में ये है, क्या है मम्मा इसी? चिकन है और ये चपाती है, रोटी, दूध जलेबी और चाय। तो आज हम शहरी में यही खा रहे हैं, तो चलो खाते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। तो शहरी करने के बाद हम लोगों ने अपनी फजर की नमाज अदा करी, उसके बाद हम उठ गए हैं और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज हम जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने। कितने मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अभी पापा मतलब कि अभी मैं तो रेडी हो गई है, मम्मा और भैया रेडी हो रहे हैं और पापा ने एक लोकेशन बताया, वहाँ पर हमें जाके जाना है। फिर हम वहाँ पर जाएंगे तो फिर पापा हमें वहाँ से पिकअप करके फिर जाएंगे हम शॉप में जिस शॉप से हमें लेना है ईद की शॉपिंग। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं सोची कौन सा ड्रेस लूँ मैं यार। लेकिन आप लोग भी हमेशा, अगर आप लोगों को देखना मैं कौन सी ईद की ड्रेस लूँगी तो फिर आप लोग को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो अभी चलो मम्मा भैया रेडी हो जाए, उसके बाद हम जाएंगे मार्केट में। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। किन किन लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली कमेंट में बताइएगा। और मैं तो आज कर रही हूँ, बार रोजा है तो फिर आज मैं करने जा रही हूँ ईद की शॉपिंग। इस बार हम हमेशा हम भैया और मैं मतलब जब भी हम कपड़े तो फिर हर बार जब भी हम लोग बनवा ईद की शॉपिंग करते हैं तो फिर हम लोग ना कपड़े का पीस ले लेते, उसके बाद हम अपना साइज़ का माप देख के उसके बाद हम लोग ईद की शॉप मतलब हमारी सूट सलवार जो भी बनाना होता है वो बन के आ जाता है। लेकिन इस बार हम लोग रेडीमेड ले रहे हैं क्योंकि पता नहीं इस बार पापा जी को टाइम नहीं मिला ड्रेसेस मतलब पीस वगैरह लेने का, इस वजह से इस बार हम लोग रेडीमेड कर रहे हैं। तो फिर चलो रेडीमेड हम पहली बार ले रहे, पहली बार नहीं लेकिन मुझे तो लगता है पहली बार ही है, मतलब इससे पहले भी एक बार लिया था पिछले साल। चलो फिर देखते हैं आगे क्या हो क्या होता है। फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं और पापा जी का कॉल भी आ रहा है तो फिर हम पहुंचने के बाद आपको मिलते हैं। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से आ रहे थे ना तो फिर भैया का हम लोग पीछे से आ रहे थे ना तो ये भैया का पुराना वाला स्कूल है देख सकते हैं और ये वाला लाइब्रेरी है भैया का देख सकते हैं। यादें ताज़ा हो गए और इसी रोड से ना मैं भी आया करती थी, मैं बहुत छोटी थी तब मैं स्कूल ही जाती थी ना। तो फ्राइडे के दिन मम्मा पापा जी अच्छे फ्राइडे दिन मम्मी लेकर आते थी भैया को स्कूल से तो फिर तब मैं आती थी और बहुत याद है हम लोग गोले खा के आते थे, बहुत कुछ खा के आते थे। तो ठीक है, अब पापा अब्बू भी आ गए हैं देख सकते हैं तो फिर हम चलते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं शॉप में लेकिन यहाँ पर अलाउ नहीं है कैमरा ले जाना, तो फिर हम लोग शॉपिंग करने के बाद दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। तो ठीक है, हम लोग शॉपिंग करने के लिए अंदर जाते हैं। TakeTones.com 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 देखिए जो हमें से पेंशन तो सिर्फ एक ही दिन के लिए चला रही है तो हमें तो सही है। TakeTones.com जो नहीं पहना वही कलर लो। TakeTones.com पिंक पहन ऐसे
पिंक नहीं पहना था कुछ लोग, हाँ रेड रेड भी पहना हुआ है। ये नहीं नहीं रेड टोन्स ए बुटा बुटा bigtones.com सेम मैचिंग भी होगा भाई अभी तो अच्छा है। मैं शॉपिंग करके आ गई हूँ और इतनी सुंदर ड्रेस ली है ना कि ये ऐसी ड्रेस है कि मैं हर जगह पहन सकती हूँ। ट्रेन में मतलब कि ट्रैवल करने जा रही हूँ वहाँ पर, ऐसे नॉर्मल डेज में, ट्यूशन, स्कूल, मतलब हर जगह ऑल इन वन है। तो फिर अभी मैंने ले लिया। अगर आपको मेरा ईद की ड्रेस देखनी है या मेरी फैमिली की ईद की ड्रेस देखनी है तो आप लोगों को मेरे साथ ईद तक बने रहना होगा। ईद तक बने रहना। और तो फिर मैं ईद में जब पहनूंगी तब हम दिखाएंगे आपको कि मेरी ईद की ड्रेस कौन सी है। तो आप हमें अगर आप ईद तक बने रहेंगे हमारे साथ तो आप देख पाएंगे। तो फिर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये मेरे साइज का है क्या नहीं, लेकिन मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आपको ईद तक वीडियो करवाना है। बाय। जब हम मार्केट से आए थे शॉपिंग करके तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, सोचे थे हम लोग थोड़ा सा लेट गए थे। और फिर हमने उठे क्योंकि मेरे को तो आराम नहीं मिलेगा ना, क्योंकि मैं तो थोड़ी देर लेटी, उसके बाद टाइम हो गया। तो फिर मैं गई नहाने के लिए, हम नहाते आते हैं, मैं जल्दी से हेयर कॉम करूँगी, उसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगा और बातचीत कर लूँगी। तो फिर मैं चलता अपनी टाइम हो गई। अब मेरा तो आराम नहीं है ना, मुझे तो क्योंकि जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी बहुत ज़्यादा लग रहा है शॉपिंग करने के बाद बहुत अच्छी मिलती है, क्या कर सकते हैं। अब मैं तो कुछ कर नहीं सकती ना, ट्यूशन तो जाना ही पड़ेगा, नहीं जाऊँगी सर डांटेंगे। और ज़्यादा छुट्टी भी नहीं कर सकती, कुछ दिन पहले ही मैंने एक छुट्टी कर ली थी। तो फिर चलो मिलते हैं बाय। और हम अब ले रहे हैं खजूर और मेरा हजम जीरा भी दे दीजिए। और आज पियेंगे ये हम हजम जीरा, शिकंजी लिखा हुआ है इसमें, प्रदीप जैन शिकंजी। तो हम यही खाते हैं आज। वैसे का टाइम हो गया, देख सकते हैं आज हम तो बच गया था, तो फिर हम इफ्तारी में खा रहे हैं। यम्मी 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 यम्मी। थोड़ा तो करके देंगे ये प्याज कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल मोटा सा बड़ा सा जंगली प्याज बोलते हैं। और देखो इस चटनी के बना तो हमारा बिरयानी अधूरा है, तो फिर हम मैंने चटनी ले ली और ये है। चलो फिर हम खाने शुरू करते हैं। गरम है पत्ते नहीं है थोड़ा है थोड़ा है पत्ते गरम है। मजा आ जाएगा ठीक है। इफ्तारी करके बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग, जैसे पहली बार तो ये है। तो फिर हम लोग लेट गए थे, फिर भैया तरावी पढ़ने के लिए चला गया था। और आज भी हम लोग तरावी नहीं पढ़ने गए, इंशाल्लाह से कल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अब तबीयत थोड़ी वो नहीं है, वो हो रहा है मतलब आलस जैसा आ रहा है।
तो फिर यही हो रहा है, इस वजह से कल से हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर अब तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो ट्यूशन से मुझे होमवर्क मिला है वो कंप्लीट कर लेती हूँ, नहीं तो मुझे सर डांट पड़ेगी। तो इस वजह से मैं होमवर्क कंप्लीट कर रही हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। और आज डिनर हम लोग लेट करेंगे और चलो फिर हम मैं पढ़ाई करती हूँ।